गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार ने डॉग स्क्वाड के साथ सिटी मॉल व नौकायन पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह चेकिंग अभियान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सिटी मॉल नौकायन पर चलाया गया है, जो कि शाम 5 बजे से 9 बजे रात तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह चेकिंग रेस्टोरेंट व ढाबे में भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान जो संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है उसकी भी चेकिंग की जा रही है और बैरियर चेकिंग ऐप पर उसके डिटेल को अपलोड किया जा रहा है तथा यह चेकिंग अभियान आगे भी चलता रहेगा। इस अवसर पर सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, नौकायन चौकी प्रभारी सुशील प्रसाद सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अपना
देखिए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। ये 5 से लेकर 9 बजे तक अभियान है। इसमें होटल सराय ढाबा वगैरह की भी चेकिंग की जा रही है। अभी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और मॉल्स के अतिरिक्त यहाँ रामगढ़ ताल पे नौकायान, ये सब की चेकिंग कर ली है और आगे भी हम इसी तरह चेकिंग अभियान चलाते रहेंगे। फिर अभियान अभियान जो है सुरक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियाँ जो व्यक्ति अगर कोई मिल रहा है तो उसकी पूछताछ वगैरह भी की जा रही है और बैरियर चेकिंग ऐप पे उनके डिटेल्स अपलोड कराए जा रहे हैं।